नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। स्वतंत्रता दिवस के 75वां अमृत महोत्सव पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा ने अपने समस्त स्टाफ के साथ स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव को मनाया। धूमधाम से दिव्यापुर थाने में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिव्यापुर प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि हम लोगों को आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए। जिस प्रकार से देश के महान महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सारे दिन भूखे प्यासे भटकते रहते थे तथा उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी है, और इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी आज़ादी देश भावना को भूलकर लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण में रहने की सीख लेनी चाहिए तथा स्वतंत्रता दिवस में जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है इसमें तीन पट्टी होती हैं। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है जो हमें ये संदेश देती है। यह जो केसरिया रंग की पट्टी है बलिदान का प्रतीक है। बीच की सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतीक है। नीचे की हरी पट्टी हरियाली का प्रतीक है। जो बीच में 24 तीलियां बनी हुई हैं जो हमारे अग्रसर पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देती हैं। परमपिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की बहनों के साथ सीख ली हम लोगों से मेल मिलाव पर रहना चाहिए तथा 15 अगस्त पर स्टाफ ने अपने कोकिला कंठ की स्वतंत्रता दिवस के बारे में गुणगान किया। पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दिल को खास हूँ। आज के दिन 75वीं आजादी की सालगिरह पर सभी जनमानस लोगों को प्रेम और सौहार्द से रहने की और अपने सहयोगियों का पास पड़ोस वालों का ख्याल रखते हुए मानवता की मिसाल पेश करें। चार पंक्तियां दे रहा हूं कि अमर शहीदों की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ा जाऊं और देश प्रेम के गीत में गाकर सबके मन को 15 अगस्त आता है बीतिया तिलाता है घोर अंधेरी राहों में जीवन दीप जलाता है। देश भक्त की खातिर जो शहीद हुए हैं भारत पर उन शहीदों को दिल से नमन मैं करता हूँ। कि माँ के चरणों का सुर कमल मैं वीणा की झनकार हूँ। माँ के चरणों का सुर कमल मैं वीणा की झनकार हूँ और तपता हुआ हृदय है मेरा, मैं ज्वालामुखी अंगार हूँ। और जब जब भारत की सीमा पे बंदूक चलाई मैं हूँ देश का सिपाही और दुश्मन का मैं दुश्मन हूँ, भाई का मैं भाई। और क्रूर दृष्टि से जब भी जिसने तुझे देखा माँ, आजाद भगत राणा शिवाजी लियंगड़ाई, मैं हूँ देश का सिपाही। सब इंस्पेक्टर अनिल गुप्ता आपके सामने गांधी जी के लिए कि जब तक मानव ही मानव से अलगाव रखेगा और बोया तो है तर्बगुन का कैसे आम चखेगा, और जब तक इधर उधर लाशों की बदनीलामी होगी सच कहता हूँ बापू तेरा कोई नाम न लेगा। कि दुखी बड़ा है कृषक देश का, आजकल के नेता अभिनेता पिक्चर सब जो है मजदूर के बारे में कहता है लेकिन कोई सोचता नहीं है। कि दुखी बड़ा है कृषक देश का, भूखा बहुत मजूरा और बदल गया हर रूप देश का, हर निर्माण अधूरा क्रंदन करती गहन गरीबी पूंजी बात मगन है। और बापू तेरे राम राज्य का सपना हुआ ना पूरा, बापू तेरे राम राज्य का सपना हुआ ना पूरा। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे देश के नौजवानों ने
जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बेटे थे, किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, उनकी कुर्बानियों के आज हम गाना तो गा रहे हैं, गीत तो गा रहे हैं, उनका बखान तो कर रहे हैं कि हम ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं कि हम सच्चाई को, ईमानदारी को और अपने देश प्रेम से प्यार नहीं कर सकते हैं। इस देश को हमें खुद प्यार करना है, हर देश से प्यार करना चाहते हैं, हमें ईमानदारी अनिष्टी को अपनाना पड़ेगा, भाईचारे को अपनाना पड़ेगा। ये भाईचारा यार हमारे देश में नहीं है, वजह से हमारा जो भारत महान था, जो भारत को हम वंदे मातरम करते हैं, कहते हैं मदर इंडिया है, भारत हमारा मदर इंडिया है, जो पूरे विश्व में गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, भारत कितनी महिमा है, जिसे देवी देवताओं की जन्म भूमि कहा गया, कर्म भूमि कहा गया, परमात्मा की अवतरण भूमि कहा गया। आज देश में कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आखिर क्यों है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे अंदर से ईमानदारी खत्म हो गई है, हमारे अंदर का भाईचारा खत्म हो गया है। आज दुनिया में रंग भेद, जात भेद, प्रांत भेद, राष्ट्र भेद व्याप्त हो गया है। हम चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी ये चाहते हैं, पूरा राष्ट्र एक हो, झंडा जो है तिरंगा झंडा पूरे राष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में फहराया जाए, सारे झंडे झुक जाएंगे, बाबा का ही झंडा, ये जो हमारा इंडिया का झंडा है, भारत का झंडा है, तिरंगा है, झंडा पूरे विश्व में फहराएगा, यही आशाओं के साथ ये हमारी इच्छा, हम ब्रह्मा कुमारी से हार्दिक इच्छा है। हम सभी बहनें भाई मिल करके इस अभियान को पूरा कर रहे हैं और हमारा नारा है, मोदी जी का नारा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके एंड में हम लोगों ने किया है अमृत महोत्सव प्लस स्वर्णिम युग आने वाला है, स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उस स्वर्णिम दुनिया का सवेरा होने वाला, अमृत माना सवेर, सवेरे के समय को अमृत कहा गया, अमृत सुबह के बाद फिर सवेरा होता है, इन्हें सब तो आपका परिचय। मेरा नाम बी के उषा है, ब्रह्मा कुमारी। वंदे मातरम वंदे मातरम लक्ष्मी तू है दुर्गा तू है लक्ष्मी तू है दुर्गा तू है घर घर में बस घर में बस तू ही है एक किस कुल को जो तारे को एक किस कुल को जो तारे वो शिव की शक्ति है नारी बंदे मातरम बंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर मोहर सिंह राठौर डीलर ग्राम पंचायत चेचौली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर वीना यादव प्रधान ग्राम पंचायत अमोह आहार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर शिव सिंह पाल जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी दिव्यापुर औरैया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी की अमृत महोत्सव पर हरिप्रसाद प्रधान ग्राम पंचायत नाली औरैया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर अवनीश सिंह ग्राम प्रधान पंचायत शहदपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर जितेंद्र कुमार सविता मैनेजर सेंट्रल बैंक ककोर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर संगम ईट उद्योग सहायल और संगम ईट उद्योग नवी मोहन ओम प्रकाश एवं सत्यनारायण गुप्ता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं ओम प्रकाश सिंह और सत्यनारायण गुप्ता की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को संगम ईट उद्योग सहायल और संगम ईट उद्योग नवी मोहन की तरफ से हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ओम प्रकाश। समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव पर विकास वैली रिसोर्ट एवं स्विमिंग पूल पावर हाउस के पास दिव्यापुर सुनील कुमार चौहान की तरफ से शुभकामनाएं एवं बधाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।